मंडी में हिमाचल प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जिले के अधिकारियों के साथ बैठक कर चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी देवेश कुमार ने नेताओं से निवेदन किया कि वो अपने शब्दों और वाणी पर नियंत्रण रखें, किसी भी प्रकार की अमर्यादित टिप्पणी न करें। बातचीत में कहा कि आदर्श चुनाव आचार संहिता का सभी को पालन करना चाहिए और उन्होंने कहा आचार संहिता एक दस्तावेज है और इस दस्तावेज में कही हुई बातों का सभी को पालन करना चाहिए। तो इस दौरान उन्होंने दिव्यांग मतदाताओं के लिए जिला प्रशासन के प्रयासों को सराहा, लोगों से चुनाव के दौरान ज्यादा से ज्यादा कैश न लेने लिए जाने का आह्वान किया और कहा कि अगर कैश ले जाना पड़े तो उसके साथ दस्तावेज रखें। बैठक में मंडलायुक्त विकास लाबरू, आईजी मंडी एन वेणुगोपाल, जिला निर्वाचन अधिकारी ऋग्देव ठाकुर और एसपी सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक डॉक्यूमेंट है जो कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा जारी किया गया है और इवन जो हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट है उसने भी इसको मान्यता दी है और कहा है कि ईसीआई आर्टिकल 324 जो भारत के संविधान के तहत इस प्रकार के निर्देश जारी कर सकता है। तो उसके तहत उसमें ये बड़ा स्पष्ट है कि पर्सनल नेचर के रिमार्क्स बिल्कुल भी नहीं किए जाएंगे और ऑब्सीन लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। बट मेरी अपील रहेगी लोगों से कि अपने शब्दों पर, अपनी वाणी पर संयम रखें और मैं समझता हूं कि इलेक्शन का माहौल बड़ा गर्म होता है, बड़ी इसमें आसान नहीं है सभी पार्टीज कैंडिडेट्स के लिए, बट तब भी एक शालीनता के साथ में अपने प्रचार को करें तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँगा।